गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4। क्लियर है, सबको याद है? कल हमने आपको रिवाइज कराया था इसके दो एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। वेरी गुड। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, in exercise 4.3 question number 1 is there. What to do in this exercise we have to know that. Okay, to what to do, ye jo exercise hai aapka exercise 4.3, ye totally aapka linear equation ke graph se related hai. Clear hai, graph se related, linear equation ka graph banana aur equation ka graph banana bahut easy hai. आपको मैं बता दूं कितना आसान है इक्वेशन का ग्राफ बनाना। एक्सरसाइज जो पिछला एक्सरसाइज था उसमें मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन निकालने, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अब गिवन इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आप फाइंड करते थे किसी भी इक्वेशन। सपोज वी हैव दिस इक्वेशन, रिमाइंड लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, पिछला एक्सरसाइज जो आप रिवाइज किए थे उसको आप थोड़ा सा याद करने का कोशिश करिए। तो इसमें हम लोगों ने बताया था इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो नेचुरली इसके अनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो आप कैसे फाइंड करते हैं अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 सॉल्यूशन होना चाहिए, बट हम 3 सॉल्यूशन इसका लेते हैं, ठीक है। 3 सॉल्यूशन लेंगे, तो 3 सॉल्यूशन कैसे लेंगे आप? सपोज इफ एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू पहले हम 0 मान लेते हैं, क्लियर है। इफ एक्स विल बी 0 देन व्हाट विल बी वाई, वाई क्या होगा, देन द इक्वेशन विल बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज द गिवन इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 0, वी हैव टू पुट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 4। Means if x will be 0 then y will be 4. Clear हो रहा है? Okay, very good. तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए यही बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, यहाँ x y राइट कर देते हैं। हमें 3 solutions फाइंड करने हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए, कम से कम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम वी हैव टू फाइंड 3 सॉल्यूशंस, ओके, 3 सॉल्यूशंस मतलब 3 पॉइंट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिखा जाता है सॉल्यूशन को। तो क्लियर, यहां पे देखते हैं, इफ एक्स विल बी 0 देन वाई विल बी 4। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन हुआ हमारे पास ये, क्लियर है। नाउ वी हैव टू टेक, हम कुछ और मानते हैं, सपोज वाई को ही 0 मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वाई अगर 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 0 ली थी, अब हम वाई को 0 ले लेते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप वाई इज इक्वल टू 0, देन एक्स प्लस वाई 4, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है हमें, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू एज इट इज, कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो y के प्लेस पे 0 हमने पुट कर दिया, देन x प्लस 0 x, x इज इक्वल टू 4। अगर y 0 होगा तो x विल बी 4, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस तो हमारे पास हो गए। तीसरा सॉल्यूशन इफ x, फिर से हम ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट विल बी देयर, x प्लस y इज इक्वल टू 4, इफ x इज इक्वल टू 1 देन 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 1 को हम राइट साइड ले गए, ये तो आपको आता ही है, 1 को हम राइट साइड ले गए, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3 हो गया। मींस as if x विल बी 1, इफ x विल बी 1 देन y विल बी 3, ठीक है। तो इस तरह से नाउ वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 3 तरह का सॉल्यूशन हमारे पास हो गया, पहला 0 4, फिर 4 0, फिर 1 एंड 3, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया था ये टेबल के फॉर्म में भी लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट मतलब ये ब्रैकेट। तो पहला सॉल्यूशन आपका 0 4 होता है, दूसरा सॉल्यूशन होता है 4 0, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है बाद में y की वैल्यू, क्लियर है।
एंड द नेक्स्ट वन इज 1 3। क्लियर? इतना तो सबको क्लियर ही है, ये लास्ट एक्सरसाइज में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। देन फॉर द ड्रॉइंग ग्राफ वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का, तो करना क्या है इसके आगे, इतना काम तो आपका कॉमन है, पिछले एक्सरसाइज जैसा है, बट ग्राफ बनाने के लिए फॉर ड्राइंग ग्राफ व्हाट वी हैव टू डू, एक ग्राफ कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो जाता है, यहाँ पे एक्स डैश नोट करते हैं, और ये वाई एक्सिस हो जाता है, ये वाई डैश नोट करते हैं। क्लियर है? ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको आता है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ लेंगे, हम इसको उसे भी बताएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द ओरिजिन, इसको जीरो लिख दिया जाता है, ठीक है। ओरिजिन को ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ हम लोग जीरो लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, फिर से वाई एक्सिस पे अप साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एंड डाउन साइड नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। ये तो हमने बना लिया, पूरा खाका तैयार कर लिया। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट सॉल्यूशन इज 04, तो 04 यहां पे देखिए, 0 का मतलब क्या है, ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो x एक्सिस पे 0 ढूंढिए, ठीक है। और यहां से आपको ठीक वर्टिकल प्लेन में चलना है, y एक्सिस पे 4 कहां है, यहां है, तो ये हो गया पॉइंट आपका 0 एंड 4। क्लियर है? एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज 40, देन 4 इज ऑन x एक्सिस, यहां है, और y एक्सिस पे 0 कहां है, यहीं पे है, तो यहां पे वर्टिकली चलना है, कहीं नहीं जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने पे y एक्सिस पे 1 है, y का 0 जाना है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है 40 है, तो 4 हम x एक्सिस पे लेंगे। अब इस वे में हमें y एक्सिस पे 0 ढूंढना है, लाइक दिस। तो यहां पे कहां मिलेगा आपको 0, तो फिर यही का है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया 40। क्लियर है? ओके। एंड द थर्ड सॉल्यूशन इज 1 3 1 3, 1 x एक्सिस पे लीजिए और 3 y एक्सिस पे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 1 3। क्लियर? अब क्या करना है, ये तीनों ही पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होते हैं, जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन हो जाते हैं, और यहां पे हम लाइन के बगल में राइट कर देते हैं जो इक्वेशन है अपना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हम राइट कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ग्राफ का मतलब ये लाइन ही इक्वेशन का ग्राफ है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आपको ग्राफ ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कम से कम 3 सॉल्यूशन, और तीनों सॉल्यूशन को यहाँ ग्राफ पे इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन होगा वो, और उस लाइन के बगल में इक्वेशन राइट कर देंगे, मींस इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट करता है ये। क्लियर है? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब 2 में क्या करना है, गिव इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू, मतलब यहां पे इक्वेशन बताने हैं 2 लाइंस के, ठीक है, 2 लाइंस का इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, तो इस इक्वेशन का ये लाइन हुआ, या इसको अपोजिट वे में क्या बोलेंगे, इस लाइन का ये इक्वेशन हुआ। क्लियर है? इस इक्वेशन की ये लाइन है, या इस लाइन की ये इक्वेशन है। क्लियर है ना? तो यहां पे ठीक अपोजिट करना है, तो हम देख लेते हैं। अब फिर से जो है, हमें यहां पे ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉइंट दिया हुआ है यहां पे, कहने का मतलब कि 2 लाइनें सबको
सपोज हम यहां पे ड्रॉ करते हैं दो लाइन, ठीक है, दो लाइन है, दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट का नाम यहां पे दिया हुआ है, क्या है, 214 है, क्लियर है, 214 है। तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम दिया हुआ है 214। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगा और y की वैल्यू 14 होगी। ये रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट दिया हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है, इट मींस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14। क्लियर, तो अब यहां पे हमें दो इक्वेशन बताने हैं, तो दो इक्वेशन कैसे बताएंगे, देखिए बहुत इजी है, वैल्यू जब हमें पता है तो इक्वेशन बताने में क्या है, हम कोई भी इक्वेशन आंख मूंद के लिख लेते हैं यहां पे x प्लस y इज इक्वल टू, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या होगा, तो पता हो जाएगा x प्लस वाई क्या है, x यहाँ पे 2 है और y क्या है 14 है, 2 प्लस 14 means x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखना है, ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन हो गया, तो दूसरा इक्वेशन और भी कुछ लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लिया उसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी द इक्वेशन। क्लियर, बहुत ईजी है, देखिए 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे क्या होगा 2 या 4, 4 माइनस 14 कितना होगा, 4 माइनस 14 माइनस 10। क्लियर, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फाइनली वी हैव 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्लियर है, बहुत ईजी है, देखिए पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट के हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू नोट कर लिए, दो इक्वेशन बनाना है, तो दो टाइप की इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिए, पहला ले लिया एक्स प्लस वाई और दूसरा ले लिया 2x माइनस वाई, आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं, x माइनस वाई भी ले सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी राइट। क्लियर, तो इस तरह से हम दूसरा इक्वेशन कर लेंगे, क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब यहां पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोर लाइन, कितने लाइन इस तरह के आप बना सकते हैं, तो आप बताइए, यहां पे हमने x प्लस वाई लिख दिया, यहां 2x माइनस वाई लिख दिया, और इसी तरह से और कितने तरह के आप इक्वेशन बना सकते हैं, x माइनस वाई भी बना सकते हैं, x माइनस 2y भी बना सकते हैं, 5x प्लस 3y भी बना सकते हैं, तो इस तरह से हम कितने बना सकते हैं, जितनी हमारी इच्छा हो उतने बना सकते हैं, ठीक है, मीन्स इनफाइनाइट बना सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन देना था, दो इक्वेशन हमने दे दिया, और आगे पूछा जा रहा है इस तरह से अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो कितने तरह के इक्वेशन बना सकते हैं, यही आपको बताना है। तो नेचुरली वी कैन फाइंड नंबर ऑफ इक्वेशन कितना, इनफाइनाइट, वेरी गुड, ठीक है, तो इस तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं, कर लेंगे अगला एक्सरसाइज।